हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिशा का जहां। और आज मैं लाई हूँ मार्बल ग्लेस केक की रेसिपी। तो चलिए बनाने की प्रोसेस देख लेते हैं। एक बाउल में एक कप प्रीमिक्स ले लेंगे। एक कप की मेजरिंग है 240 ml। मैंने प्रिंसटाइन की प्रीमिक्स लिया है, आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी दे के बैटर को रेडी कर लेंगे। पानी का मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बैटर हमारा रनी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का एसेंस डाल देंगे 2-3 ड्रॉप। एसेंस को मिक्स कर लेंगे। अब 1/2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। 1/2 kg का केक बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 कप प्रीमिक्स लिया है। 1 कप प्रीमिक्स में 1/2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और पिंक कलर ऐड कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है और कलर भी पिंक होगा तो देखने में अच्छा लगेगा, इसीलिए। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद पहले से ही ऑयल से ग्रीस किया हुआ केक टिन में हम बैटर को डाल देंगे। ऐसे ही रनी कंसिस्टेंसी चाहिए। और एक कढ़ाई को 10 मिनट प्री हीट करके रख दिया था, अभी उसमें बैटर को रख दिया और 25 से 30 मिनट तक हम इसको बेक होने देंगे। मार्बल ग्लेस इफेक्ट डालने के लिए हमने ले लिया है 100 ग्राम व्हाइट कंपाउंड और 50 ग्राम व्हिपिंग क्रीम। नीचे एक बर्तन में हॉट वाटर ले लिया ताकि अच्छे से ये चॉकलेट मेल्ट हो जाए। तब तक स्पंज भी ठंडा हो गया था, अभी इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। अब ऊपर का डोम शेप को हम काट के साइड कर लेंगे। अंदर की जाली देखिए कितना सुंदर परफेक्ट बना है। केक को हम 3 पीसेस में डिवाइड करेंगे, इसीलिए एक नाइफ लेके चारों ओर हम थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। बाकी का हम धागे से कट करेंगे। कटा हुआ साइड से धागे को अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा बीच में आने के बाद उसको अपनी ओर खींचेंगे, बहुत ही धीरे धीरे खींचेंगे ताकि केक टूटे ना। देखिए धागे से बिल्कुल इक्वल पार्ट में कट होता है। दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही कट कर लेंगे। धागे को बीच में फंसा लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे खींचेंगे। एंड की पार्ट को भी बहुत ही धीरे से खींचेंगे ताकि केक टूटे ना। बराबर साइज के 3 पीसेस हमने कट कर लिया है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस, केक बेस में थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे ताकि केक जगह से हिले ना। और पहले लेयर को हम अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। सोक करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि केक हमारा बहुत टाइम तक सॉफ्ट रहे। पाइपिंग बैग से क्रीम को चारों ओर इक्वली लगा लेंगे और एक पैलेट नाइफ से अच्छे से क्रीम को इक्वली फैला लेंगे। क्रीम के ऊपर स्ट्रॉबेरी क्रश डाल देंगे, थोड़ा सा क्रश को भी फैला लेंगे अच्छे से। अभी दूसरे स्पंज को भी उसके ऊपर रख के शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लिया और पाइपिंग बैग से क्रीम को लगा लेंगे। फिर से फैला लेंगे और ऊपर थोड़ा सा क्रश डाल देंगे। क्रश को भी फैला कर उसी तरह से तीसरा वाला स्पंज भी डाल देंगे ऊपर में और उसको भी शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। अभी लास्ट पीस में भी हम अच्छे से शुगर सिरप को सोक करके क्रीम को चारों ओर लगा लेंगे और अच्छे से हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। अब चारों ओर फिनिशिंग करके 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने को रख देंगे। 1/2 घंटे बाद जो व्हाइट गनाज बना के रेडी किया था उसमें अपने मनपसंद 2-3 कलर को हम ऐड कर लेंगे 2-3 ड्रॉप करके। मैंने 4 या 5 कलर ऐड किया है। उसके बाद धीरे धीरे केक के ऊपर हम इसको डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर इफेक्ट आ रहा है। अभी अच्छे से चारों ओर हम इसको फैला लेंगे। एंड का व्हाइट गनाज नहीं डालेंगे और साइड में जो गिरा हुआ है चम्मच से उठा उठा के जहाँ पे नहीं लगा है उस वहाँ पे लगा लेंगे।
मार्बल ग्लेस केक बिल्कुल रेडी है। अभी 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके बाद सर्व करेंगे। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरी वीडियोस अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।